हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्शदीप फ्रॉम श्री धन्वंतरि आयुर्वेदिक कॉलेज। मेरा आज का विषय है पेटेंट मेडिसिन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है इजी टू यूज़। जैसा कि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट चूर्ण, घृतनाक, अरिष्ट वगैरह नहीं ले पाते, तो आजकल जो पेटेंट मेडिसिन जो आ रही हैं वो ज़्यादातर सिरप या टैबलेट्स और कैप्सूल की फॉर्म में, जो कि काफ़ी पेशेंट्स को लेने में आसानी होती है और पेशेंट रिफ्यूज़ भी नहीं करता मेडिसिन लेने को। तो और जो घृत कल्पना वगैरह थी, जहाँ हमारे कषाय थे पहले, वो टेस्ट की वजह से पेशेंट नहीं लेता था, आजकल वो टैबलेट फॉर्म में आने लग गए हैं, तो वो भी पेशेंट को लेने में काफ़ी आसानी होती है मेडिसिन। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा स्मॉल पैकिंग। जैसा कि हमने देखा है, शास्त्रीय मेडिसिन है जो, वो हम बड़ी पैकिंग में आती है। जैसे कि टैबलेट्स है वो 60 से 100 टैबलेट की पैकिंग में आएंगी, और जो अरिस्टो और काढ़े वगैरह है वो 450 और 500 ml के करीब आते हैं। तो कई बार हम इससे, अगर हम पेशेंट को 10 से 12 दिन की मेडिसिन देते हैं तो उनमें काफ़ी मेडिसिन वेस्ट हो जाती थी। तो बट जो पेटेंट मेडिसिन आ रही हैं वो जहाँ तो स्ट्रिप्स में आ रही हैं और जहाँ फिर छोटी पैकिंग में आ रही हैं, जैसे जो सिरप्स वगैरह है वो 150 ml के करीब में आती हैं। तो अगर हम पेशेंट को 10 से 12 दिन की मेडिसिन देते भी हैं तो मेडिसिन वेस्ट भी नहीं होती और पेशेंट को काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसएडवांटेजेस। जो पेटेंट ड्रग्स हैं वो आजकल एलोपैथिक ड्रग्स की जैसे रिसर्च पे बनती हैं, तो इनमें फार्मा कंपनीज क्या करती हैं कि काफ़ी सारे ड्रग्स ले लेती हैं, उनमें से उनकी कोई एक प्रॉपर्टी, जैसे कोई एंटी पायरेटिक होगी या एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पे बेस पे वो सारे ड्रग्स को मिक्स कर देती हैं। बट हमें पता है कि सारे प्लांट्स में अलग अलग फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब इन फाइटोकेमिकल्स का बॉडी में जाके क्या रिएक्शन होगा वो लॉन्ग टर्म में, वो हमें किसी को नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म में इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो है, हम दोष दूष या देश काल के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, और सबकी प्रकृति अलग होने से सबके लिए मेडिसिन अलग होती है। बट जो फार्मा कंपनीज कहती हैं कि इनकी पेटेंट मेडिसिन है वो हर एक पेशेंट में दी जा सकती है या फिर हर एक केस में दी जा सकती है, वो आयुर्वेदिक सिद्धांत से सही नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू था पेटेंट मेडिसिन के बारे में। हर पैथी को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च होनी चाहिए, बट आयुर्वेद में रिसर्च आयुर्वेदिक पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए करनी चाहिए। थैंक यू।